ये जो अभी 1500 बच्चे बैठे हैं, इनमें से मेजोरिटी बच्चों का एक ही सवाल है, सर मैग्नेट ब्रेन्स क्यों छोड़ दिया? देखिए मैग्नेट ब्रेन्स क्यों छोड़ दिया, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। सारी चीजें बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी सी ऐसी है कि एक चीज के साथ स्टार्ट करूंगा मैं कि डू यू बिलीव इन मी। इस शब्द को सुनते से, इस सवाल को सुनते से अगर आपके मन में यस निकल रहा है तो आप आगे की कहानी सुनना, नहीं तो फिर ऐसा है कि आप सुनोगे, आप विश्वास करोगे नहीं करोगे अलग चीज रहती है वो, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप पार्ट रहते हो ना, तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल रहता है। और छोड़ना कब बहुत मुश्किल रहता है पता है? जब आप कहां से जुड़े रहते हो, जब आप जीरो सब्सक्राइबर से जुड़े रहते हो। इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी, मतलब क्या रहता है ना, लोगों की ऐसी वो रहती है, क्या कह सकते हैं कि कुछ ट्रेट्स ऑफ बता रहा हूँ, पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे रहते हैं कि जब तक आप साथ हैं तब तक आप बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप सब कुछ हैं, लेकिन जब आप साथ नहीं रहते तो आप ब्लेम गेम खेलना चालू कर देते हैं। तो दीज आर दी ट्रेट्स ऑफ वीक पर्सनालिटीज, ठीक है। एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम दिस कि दीज आर दी ट्रेट्स ऑफ वीक पर्सनालिटी, जब तक आप साथ हैं तब तक सब कुछ है, छोड़े बाद आप ब्लेम गेम करने लगते हो। तो मैं ऐसा कोई ब्लेम गेम नहीं करना चाहूंगा, सिंपल सी चीज ये है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को इतना समय देते हैं, लगभग 2.5 साल, ठीक है, लगभग 2.5 साल हो गया, जीरो सब्सक्राइबर से आप खड़े करते हो, जब जरूरत थी। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, देर आर वेरी वंडरफुल मेमोरीज एसोसिएटेड विद मैग्नेट ब्रेन्स। जब लॉकडाउन लगा, मतलब वही था ना कि जब ये पेंडेमिक वगैरह सारी चीजें आती, तो मैंने अपना मतलब वहीं पे ऑफिस में रहता था, बढ़िया 2x4x8x10 का एक ऐसा था वो कैबिन था, वहीं मैं सोता था, वहीं रात दिन वीडियो बनाता था उस तरह से। तो That was really a wonderful time. अब इसमें से भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सैलरी का चक्कर था क्या? अब यह है ना कि 2.5 साल में ऐसा नहीं रहा कि और मतलब I was paid well, ऐसा भी नहीं है, I was paid well, सारी चीजें सही थी, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पैसा एक फैक्टर रहा होगा कि उस कारण से मैंने प्लेटफॉर्म स्विच कर दिया। उसके पहले ऑफर आए, इतने ऑफर आए जितना मैं शायद वहां पर 2.5 साल में कमाया उतना मैं 6 महीने में 2 महीने में कमा लेता, इतने बड़े बड़े ऑफर्स थे। लेकिन वो यही है ना कि आपके लिए पैसा मायने नहीं रखता, तो आपको आपके काम में मजा आना चाहिए, ठीक है। देयर वर हेल लॉट ऑफ इमोशंस, काफी सारे उसमें इमोशंस लगे हुए थे, जुड़े हुए थे, तो उस कारण से क्या है, मजा आता था बहुत ज्यादा काम करने में, मजा आता था, कभी ऐसा नहीं लगता था कि आप काम कर रहे हो, फाइन, कभी ऐसा नहीं लगता था। इनफैक्ट जो मैंने आपको बताया ना, लॉकडाउन के टाइम पीरियड में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, जब ऐसी जरूरत थी कि जब जहां पे आपको मेहनत करना चाहिए, ठीक है, तब मेहनत भी करी सारी चीजें, और जब पीछे मुड़ के देखते तो उस चीज का एक सेंस ऑफ प्राइड आता है, मतलब घमंड नहीं उस चीज का आत्मविश्वास आता है ऐसा कि आप अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हो, मेहनत करते हो ना पूरे इमोशंस के साथ में, शिद्दत के साथ में, तो आपको उस तरह से रिजल्ट्स मिलते हैं, सारी चीजें सही रहती है। बस ये होता है कि एक पॉइंट पे आके कभी कभी क्या होता है कि मतलब थे कुछ कारण जिन कारणों से चीजें जम नहीं पाई, तो ऑन अ हैप्पी नोट I quit, ठीक है, मैंने मैग्नेट ब्रेन्स छोड़ दिया। फिर अब आपका अगला सवाल ये भी होगा, सर आपने मैग्नेट ब्रेन्स क्यों छोड़ा, अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करा? तो अब ये था कि अब मैग्नेट ब्रेन्स छोड़ दिया, बेरोजगार हैं, ठीक है, अब फिर पीछे मुड़ के देखा कि यार प्रोफेशनली अगर काम करते तो क्या किया जाना चाहिए था, प्रोफेशनली अगर आप काम करते हो तो जो आपके पास बेस्ट अल्टरनेटिव होता है आप उसे चूज करना चाहिए। तो मैग्नेट ब्रेन्स छोड़ दिया, बेरोजगार था, ठीक है। बाकी ये था कि मैंने अपना भी ट्राई किया कि खुद से करके देखूं, लेकिन खुद से करके हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मतलब एक तो टेक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ों का अभाव रहता है जब, तो आप कितना खींचोगे। आई नो यू पीपल आर देयर, ठीक है, जैसे लोग मतलब इस तरह का एक नैरेटिव रहता है, लोग ऐसा कहते हैं कि यार ये बच्चे किसी के सगे नहीं होते हैं, ठीक है, आज यहाँ है कल वहाँ है, लेकिन मैं उस चीज़ में बिल्कुल नहीं मानता हूँ, पता है मुझे आज ऐसा विश्वास होता है कि बच्चे ही हैं उन कारण से तो मैं हूँ, ठीक है। आप लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट किया, आप लोगों ने जिस तरह से प्यार दिया ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है इनफैक्ट कि आप नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता, तो वो एक अलग चीज है। फिर मतलब हाँ कि अनअकैडमी क्यों ज्वाइन किया, तो जब जो फिर मुझे बेस्ट अल्टरनेटिव्स दिखा, फिर मैंने प्रोफेशनली सोचा, इमोशनल फूल जो मैं बनना चला आ रहा था, ठीक है, मैंने उससे बाहर निकल के प्रोफेशनली सोचा कि अब आपके पास जो अल्टरनेटिव्स है तो इनमें आपको क्या बेहतर है, तो अनअकैडमी वॉज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टू मी, सो आई ऑप्टेड दैट, सिंपल। आई होप मैं आपको समझा पाया, कभी कभी कुछ चीजें हम शब्दों में नहीं समझा पाते, और अगेन वही वाली बात है कि जब छोड़ो यार